दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे T20 मैच में भारतीय टीम पूरी तरह से फ्लॉप रही। साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी। आपको पूरा दिखाएंगे इस वीडियो में कि आखिर क्या हुआ भारतीय टीम के साथ, जो पहले मैच में 200 रन बना चुकी थी, आज मात्र 124 ही रन बना सकी। तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दरअसल दोस्तों भारतीय टीम के तरफ से पहले मैच में शतक लगाने वाले संजू सैमसन आज बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। संजू सैमसन मात्र 3 गेंदों का सामना कर 0 रन बनाए, तो वहीं अभिषेक शर्मा लगातार भारतीय टीम के तरफ से फ्लॉप चल रहे हैं। अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम के तरफ से लगातार पिछले 10 पारियों में एक शतक के अलावा कुछ खास नहीं किया है। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव भी मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए। तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने भारतीय टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह दोनों भी कुछ खास नहीं कर सके। जहां तिलक वर्मा 20 रन बनाकर और अक्षर पटेल 27 रन बनाकर रन आउट हो गए, तो वहीं रिंकू सिंह भी मात्र 9 रन बनाकर चलते बने। हार्दिक पांड्या ने अपने बल्लेबाजी से भारतीय टीम को कुछ देर तक उबारने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक पांड्या 45 गेंदों में मात्र 39 रन ही बना सके और भारतीय टीम 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में मात्र 124 ही रन बना सकी। वहीं बात करें साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की, तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाज बहुत ही खतरनाक साबित हुए और साउथ अफ्रीका की तरफ से हर गेंदबाजों ने एक एक विकेट अपने नाम किए, लेकिन कंजूसी भरी गेंदबाजी करते हुए रन बिल्कुल भी नहीं दिए। मार्को यानसन ने 4 ओवर में मात्र 25 रन खर्च किए और एक विकेट लिए, तो वहीं मार्करम ने एक ओवर में 4 रन देकर एक विकेट अपने नाम किए। पीटर ने भी 4 ओवर में 20 रन देकर एक विकेट और क्वाइटजे ने भी 4 ओवर में 25 रन देकर एक विकेट अपने नाम किए। कोई भी अफ्रीका के गेंदबाज 25 रन से ऊपर नहीं खर्च किए, जिसके कारण भारतीय टीम आज पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम यहां से वापसी कर पाएगी या आज साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय टीम को हराकर अपने पहले हार का बदला लेगी? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।